नाक को दर्दनाक बना दिया मम। ऐसा कुछ नहीं है शिनचैन बेटा। आया। अरे वो यहाँ पर है। शिनचैन। क्या ये दोनों दोस्त हैं? हाँ दोनों एक ही स्कूल में हैं। ये अपनी नोज चेक करवाने के बाद यहाँ रोज खड़े होकर ऐसे ही मछलियों को देखता है। इसे ये मछलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा अगले दिन एक एक्शन कमीन कार्ड गिरा हुआ था। क्या कह रहे हो? इसके अलावा यहाँ और कुछ भी है? तो सुनो बच्चों, आज से ये गोल्डन फिशेस भी हमारे सनफ्लावर ग्रुप में ही है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग फैसला कर लो कि इनकी देखभाल कौन करेगा। बोलो। मैं। अच्छा वो तुम देखभाल करोगे, लेकिन तुम्हारे साथ मदद के लिए एक बच्चा और होना चाहिए। शिनचैन तुम वो का साथ दोगे? ये दोनों मछलियों की देखभाल करेंगे, सब इनका साथ देना। ठीक है। ये मछलियाँ प्रिंसिपल सर के दोस्त की हैं। क्या मैं इनके लिए घर बना सकता हूँ मैम प्लीज? हाँ तुम बिल्कुल बना सकते हो वो। शिनचैन आओ चलो। है, पर तुम मुझे क्यों ले जा रही हो वो? तुम्हें अभी अभी इनकी देखभाल की जिम्मेदारी मिली है। अच्छा ऐसी बात है। ये क्या डाल रही हो? ये दवाई है। लेकिन किस लिए? ये मछलियों के लिए अच्छी दवाई है। इससे नल का पानी एकदम साफ हो जाता है और मछलियाँ खुश रहती हैं। समझे शिनचैन? पहले मछलियों को एक बाल्टी में निकाल दो। जरा रुको, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। तुम क्या बना रहे हो? अच्छा ये देखो। ये मछली निकालने के लिए है। लेकिन ये तो गत्ते का है। तभी तो ये टूटेगा नहीं। देखा तुमने? तुमने तो एकदम कमाल कर दिया बो। तुम्हारा जवाब नहीं बो। तुम तो हो बिल्कुल हीरो की तरह। मछलियों के हीरो। तुम सब वहाँ चले जाओ। ऐसा तो बहुत ही कम देखने को मिलता है जब वो किसी को ऑर्डर दे रहा हो। शायद इसलिए क्योंकि ये मछलियों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल के एक दोस्त ने हमें इन मछलियों को एक हफ्ते के लिए यहाँ रखने के लिए दिया है। उसके बाद वो इन मछलियों को यहाँ से वापस लेकर चले जाएंगे। अरे नहीं, पता नहीं फिर वो को कैसा लगेगा। देखो वो इन मछलियों की देखभाल कितने दिल से कर रहा है। वो हर काम दिल से ही करता है। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हूँ एक मूर्ति। कसम है तुम कितने समझदार। अरे ये तो अब और अच्छा लग रहा है। मछलियाँ कितनी खुश है ना। अरे हाँ मेरी बात सुनो वो, तुम इन मछलियों के बारे में ज्यादा। अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत खूब। पत्थरों से तो ये और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है वो। और तुमने ये पुल भी बहुत अच्छा बनाया है। मैं इन्हें खाना खिलाऊंगा। मैं भी। थोड़ा थोड़ा खिलाना। अरे ये मछली तो बिल्कुल मसाओ की तरह है। ऐसा मत कहो। मगर ये सबसे अच्छी मछली है। क्या सच में? ये बिल्कुल मेरी की तरह है। सुनो यहाँ पर 5 मछलियाँ हैं, क्यों ना हम इन्हें अपना नाम दे दें? अरे हाँ तो ये है शिनचैन, ये उसी की तरह है ना? अरे ये तो बिल्कुल कज़ामे की तरह है। हाँ हाँ, क्योंकि ये बहुत समझदार लग रही है। क्या मतलब है? ये पक्का मसाओ जैसी ही है। हाँ, क्योंकि अच्छे दिल की है। अच्छा तो बताओ इनमें से कौन सी मछली ऐसी है जो सबसे अलग है? वो वाली, वो सुंदर है। बिल्कुल कज़ामे की तरह। तुमसे किसी ने नहीं पूछा। ठीक है, इसका नाम नैनी है। हमें पता था। लेकिन इसका नाम तो वो था। शिनचैन, प्यारी शिनचैन, तुम हिलते की नहीं है। अब देखना यहाँ वहाँ। अरे वाह, ये सारी मछलियाँ तो तुम्हारा कहना मान रही हैं।
वो ने इन सब मछलियों की बहुत देखभाल की है, इसीलिए ये बो का कहना मान रही है। है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम तो चुप ही रहो। मुझे तो बो की बहुत चिंता हो रही है। क्या ये पत्थर मछलियों के लिए है? मैं उनके घर को और सुंदर बनाऊंगा। अरे ठंडी हवा। मेरी माम ने कहा था कि जल्दी घर आ जाना वरना मुझे जुकाम हो जाएगा। अच्छा तो दोस्तों मैं भी घर जा रही हूँ। बाय बाय। बाय बाय दोस्तों। अगर उन्हें ठंड लग गई तो परेशानी हो जाएगी। बो को ये बात बताना बहुत जरूरी है। आप सही कह रही हैं। मुझे पहले ही बो को बता देना चाहिए था कि मछलियाँ बस एक हफ्ते के लिए ही यहाँ है। कोई बात नहीं, आप उसे कल बता दीजिएगा। अरे बो यहाँ। हाँ। अरे बो तुम यहाँ? क्योंकि मुझे मछलियों की चिंता हो रही थी। काफी वक्त हो गया है, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। मछलियों को तुम कल देख लेना। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। बो रुको, क्या तुम एक बात जानते हो? ये मछलियाँ सिर्फ एक हफ्ते ही रहने वाली हैं। हाँ। तुम्हें ये किसने बताया? हाँ। मछलियों ने। हाँ। मवारी सो नहीं पा रही है। हाँ।